हार्ट अटैक का डर और शराब का व्यसन, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि जो लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स जिसमें एकदम सीने में धड़कन बहुत जबरदस्त धड़ 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 करना, घबराना, हाथ थरथराना, बहुत जी घबरा के इधर से उधर हो जाना, बेचैन हो जाना, रेस्टलेसनेस है और ऐसा लगता है कि उनको भी अटैक आ जाएंगे और मैं मर जाऊंगा, और फिर वो इतना इंटेंस कभी कभी हो जाता है कि उस समय वो इधर उधर भागेगा, डॉक्टर के पास में चले जाएगा, हॉस्पिटल में चले जाएगा, वहां दाखिल हो जाएगा। मतलब वो अटैक जो है 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक चल सकता है, आधा घंटा चल सकता है, बहुत बेचैनी, और वो पैनिक अटैक है, पैनिक हो जाता है। उस समय क्या होता है कि कुछ लोग, समझो ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है पैनिक, उसमें कोई उनको सजेस्ट कर देता है कि शराब पी लो उसे अच्छा हो जाएगा, फिर वो लोग शराब लेते हैं, तो बियर लेते हैं, विस्की लेंगे, जो भी लेना है उनको, थोड़ा सा लेते हैं तो उनको उससे जरा स्टिम्युलेशन आता है, एक्साइटमेंट आता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है और वो अटैक निकल जाता है। अब वो होता क्या है कि नेचुरली भी अटैक वो निकल गया होगा, या शराब पीने के बाद में जो वेलबींग आता उससे भी अटैक निकल गया होगा, मतलब उससे भी उसको अच्छा लगा होगा। मगर सवाल यह है कि उसके दिमाग में ये कंडीशनिंग हो जाती है कि देखो मैंने शराब पिया और मेरा अटैक गया और मेरा जो घबराहट थी वो चली गई। अब होता क्या है कि फिर से कभी वो उसको हो जाता है तो उसको वो याद आता है कि मैंने शराब पिया था उससे ठीक हो गया था, फिर वो शराब पीता है और फिर ठीक हो जाता है। अभी दोनों का इतना कंडीशनिंग हो जाता है कि जब जब उसको पैनिक अटैक आता है वो शराब पीता है, अच्छा लगता है, धीरे से उसको ऐसा होता है कि पैनिक अटैक नहीं भी आया तो भी शराब से अच्छा लगता है उसको मालूम हो गया, अभी शराब पीना चालू करता है, और फिर धीरे धीरे शराब पीना ज्यादा बढ़ते जाता है और वो अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है। अच्छा, अभी कभी अल्कोहल बंद कर देता है तभी बंद करने के बाद में भी थरथराहट, पसीना आना, मतलब विड्रॉल सिम्टम आते, उसको लगता है कि पैनिक अटैक आ गया। अच्छा, फिर ये विशेष साइकिल है, शराब पीने के बाद में पैनिक अटैक रुक रहा क्या? बिल्कुल नहीं, शराब पीने के बावजूद भी, एडिक्ट बनने के बावजूद भी उसको पैनिक अटैक आ रहा है, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर पैनिक अटैक, फिर और ज्यादा डोज वो शराब का लेता है। ऐसे इसमें पैनिक अटैक और अल्कोहल एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि लोग मरने तक वहां चले, मतलब ऐसा मरने वाला तो है नहीं पैनिक अटैक से, पर भी शराब पी पी के वो मर जाएगा, इतना हो जाता है। तभी इसमें हमको कठिन ही हो जाता है कि जैसा ही हम अल्कोहल का, मतलब अल्कोहल स्टॉप करने के लिए बोलते हैं तो उसको पैनिक अटैक आता है, या अल्कोहल विड्रॉल दोनों मिक्स आते हैं। अभी हमारे पास में जो पेशेंट भर्ती है उनको यही है, उसको इतना जबरदस्त पैनिक अटैक आता है अल्कोहल बंद करने के बाद में, अभी वो उसमें मिक्सचर होता है अल्कोहल विड्रॉल का भी, क्योंकि अल्कोहल विड्रॉल में भी पसीना आना, हाथ पैर थरथराना, घबराहट होना, सब वही सिम्टम आते हैं, और फिर वो भागते रहता है इतना कि वो रिलेटिव्स को इतना प्रेशर कर देता है और वो प्रेशर करके छुट्टी लेता और जाके शराब पीता है। फिर लोग बोलते जान दो, अभी मानते हैं तो हम क्या करेंगे, मानता ही नहीं है तो हमको फिर कैसा भर्ती रखे, उसको लगता है कि भाई मेरे को तो अभी अटैक आ रहा है, अभी मेरे को कुछ तो भी करना ही पड़ेगा और मेरे को शराब लेनी पड़ेगी। ऐसे इसमें एडमिट करके हम ज्यादा डोज देते हैं, हेवी डोसेस, कि जिसकी वजह से वो सेडेट रहेगा, सोएगा, जिसमें से वो अल्कोहल विड्रॉ के जो सिम्टम्स हैं, अल्कोहल शराब नहीं लेने के जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाएंगे, अटैक भी कम हो जाता है, मतलब अटैक भी नहीं आता है, और काफ़ी सेडेटेड हम रखते हैं उसको कम से कम 4-5 दिन तक, ताकि पूरा विड्रॉल के सिम्टम्स उसको ख़त्म हो जाएंगे, और विड्रॉल के सिम्टम्स एक बार खत्म हो गए बाद में जो पैनिक अटैक है उसको पैनिक अटैक करके फिर हम ट्रीट करते, तो ये सब करना संभव है। मुझे ये वीडियो देने का, यही शेयर करने का या बताने का या शूट करने का एक ही था, एक कारण कि पैनिक अटैक के लोगों ने कभी भी शराब को हाथ लगाया तो वो विशेष साइकिल में चले जाते हैं। पैनिक अटैक अबॉर्ट करना है, पैनिक अटैक खत्म करना है, उसके लिए शराब ये कोई दवाई नहीं है, मगर तुरंत फायदा दिखने के लिए, तुरंत फायदा होना और तुरंत वहां से रिलीफ होना, इसीलिए लोग शराब पीते हैं और वहां से फिर एक नई बीमारी चल हो जाती है। तो पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट जो है वो पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके लिए शराब का ट्रीटमेंट नहीं है, और यदि शराब लेते हैं और वो शराब से विड्रॉल आता है और पैनिक अटैक आता है तो शराब का ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि करते हैं और दोनों अलग कर देते हैं तो इलाज भी ठीक हो जाएगा और पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।